चारसदा में सैयद अली शाहबाचा के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त है, बड़े नज़दीकी, और हमें तो बहाना ही चाहिए यहाँ आने का, क्योंकि चारसदा से मुझे बड़ा प्यार मिलता है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फैंस चारसदा में हैं, तो खुशी मिलती है, आ जाते हैं। बाचा साहब ने इन्विटेशन दिया था तो फिर तो लाजमी आना ही था, और आप सबको, सारे फैंस को देख कर बड़ी खुशी हुई यार। सर खान बाबा, आपका नाम है, असल नाम क्या है? मेरा असल नाम खिजर हयात है। सर, आपके वजन के हिसाब से आपसे ज़्यादा कोई वजनी बंदा है पाकिस्तान में कि नहीं? वो दुनिया में मतलब मेरे से वजन से एक बंदा ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, लेकिन वो अभी मुझसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो घूम फिर नहीं सकता। उसको जब वेट करने के लिए भी लाते हैं वहाँ मेजर करने के लिए, तो उसको स्ट्रेचर पर लाते हैं। वो 500 किलो का है, लेकिन वो बीमार है, और मैं दुनिया में बस सेकंड नंबर पर हूँ। सर, उम्र के लिहाज से बताएं कितनी उम्र है, तालीम की है और कहाँ सीखी है? मेरी उम्र जो है वो 28 साल है, और अभी 3 मार्च पे 29 साल का हो जाऊँगा, और मेरी तालीम बीए हासिल की है। कहाँ से हासिल की है? मर्दान। सर, शादी की है? नहीं की है अभी। क्या है सर, प्रपोजल आया है आपके लिए कि नहीं? यार वो बड़े आते हैं, लेकिन अभी टाइम ही उतना नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि एक मेरिट बंदा जो है अपने लिए टाइम, अपने फैमिली के लिए टाइम निकाले, वो टाइम अभी नहीं है मेरे लाइफ में, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है। मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा फिजीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गोल्स पूरा करूँ, आगे जितने मेरे गोल्स है, चीज़ें हैं, उसके बाद ही रिटायरमेंट लेकर शादी करूँ। सर, रोज़मर्रा खुराक के बारे में बताइए, कितना खाते हैं? मैं यार 12,000 कैलरीज पूरा करता हूँ, जो खुराक में अपने कैलरीज, अपने बड़े होने की वो चीज़ें होती है, वो तो वो 12,000 चीज़ें मैं पूरा करता हूँ। मतलब 3-4 चिकन खाता हूँ, 3-4 किलो गोश्त खाता हूँ, 5 शेर दूध पीता हूँ, और इस तरह के अंडे, 2 दर्जन अंडे खाता हूँ। वर्जिश पहले तो हम ज़्यादा कर देते, लेकिन अभी बस ये वर्जिश ज़्यादा है, जो हम टिकटॉक के बनाते हैं लोगों के साथ ना, इस तरह चले जाओ, उस तरह चले जाओ, मुझे उठा लो, तो बस ये वर्जिश फिर पूरा हो जाता है। और सुबह उठकर मैं पुशअप्स मारता हूँ, थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, बस हो जाता है पूरा। सर, कितने बहन भाई हैं आप? मेरा एक भाई है, मुझसे बड़ा है, बहन नहीं है, छोटी बहन है। सर, कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया बैनुल अक्वामी में, क्या क्या था, क्या इनाम जीते आपने? मैं, मुझे एजाजी तौर से एक रेसलिंग बेल्ट मिला है WWE से, अमेरिका से, और मुझे, मैंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 2017 में रिकॉर्ड बनाया है, और अभी आगे डेड लिफ्ट रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। एक अभी रशिया को मैंने, आपने देखा होगा, मुझे आए थे मेरे पीछे यहाँ मर्दान आए थे, उनको मैंने एक ट्रक खींचा था जो 40 टन का ट्रक था, तो वो रिकॉर्ड बनाया है, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश होगी एक डेड लिफ्ट रिकॉर्ड बनाना है 550 किलो का। सर, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी खिलाड़ी के साथ मुकाबले का कोई ख्वाहिश है आपकी? वो ख्वाहिश तो नहीं है, वो ज़रा उसकी मतलब जॉन सीना को चैलेंज किया था, और ग्रेट काली को इंडिया का, वो ख्वाहिश नहीं है, वो बस हम इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा लगा रहता है ना, तो उसको चैलेंज किया था, लेकिन उसने जवाब दिया, मतलब हाँ नहीं किया उसने, वो था, और कुछ इस तरह ख्वाहिश नहीं है, जो भी हो उनके साथ लड़ लेंगे। मतलब सर, इस हवाले से बताएं कि सोशल मीडिया पे आपकी जो वीडियोज़ और एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं, तो इस हवाले से बताएं कि ये सच पर मबनी है या एक ड्रामाटाइज सी बनाई हुई है? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये खान बाबा ने एक ड्रामा बनाया हुआ है, तो आज लोगों को ये भी बताता चले कि ये असल में हकीकत क्या है। मतलब देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक आपको एक देखने को मिल जाता है कि खान बाबा के पीछे लाहौर से बंदा आया या अफगानिस्तान से बंदा आया, तो हम पठान लोग हैं, हम कैमरे खोलते हैं, ये नहीं, हम दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसके साथ वो हाल कर लेते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो है हम प्रमोशन के लिए करते हैं, हमारा रेस्लिंग प्रमोट करने के लिए। कब तक हम अमेरिका को देखते रहेंगे? हम चाहते हैं कि हम पठानों को लोग देखें, पाकिस्तानियों को लोग टीवी पर देखें, इससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है, कंट्रोवर्सी से हमेशा व्यूवर ज़्यादा आ जाते हैं। सर, ये बताइए, अफगानिस्तान से एक पहलवान जो शेरखान आपको चैलेंज किया हुआ था, तो फिर आपकी एक वीडियो क्लिप भी आई थी इस बाबत, और उसमें आपने उससे कहा था कि हम कयूम स्टेडियम में मुकाबला करेंगे, तो इस हवाले से बताइए कि वो मुकाबला हुआ या होने वाला है, कब होगा? मतलब ये मेरा बंदा है, कुछ अफगानिस्तान से नहीं आया, वो रहता यहाँ पर है, हमने एक मैच बनाया, अभी भी मेरे साथ है, डेरे पर था, हम एक मैच बनाना चाहते थे कि वर्ल्ड का बेस्ट बड़ा मैच हो, 60 फुट 4 इंच बंदे का और 400 किलो बंदे का एक मैच हो,
हमने उसको प्रमोट भी किया, दुनिया को बताना चाहते थे, चाहे पठान जहाँ भी हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, लेकिन पठानों में भी बड़ा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दिखाई, लोगों को दिखाना सिर्फ चाहते हैं, हम कैमरे पर दिखाना चाहते हैं, टीवी पर दिखाना चाहते हैं। कब तक हम अमरीका को देखते रहेंगे, पठानों को भी लोग देखें ना। तो इसलिए वो हम एक मैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जारी है उसको। वो ज़रा बीमार पड़ा हुआ है तो उसका इलाज जारी है, इंशाल्लाह मैच जल्दी होगा। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरा नाम जो है वो दुनिया भर में गया हुआ है ना, तो मैं किसी को लीडर नहीं समझता, क्योंकि लीडर इसलिए कि मैं अगर सियासत, अभी मैंने वो चूज़ भी नहीं किया कि मैं किस पार्टी में चला जाऊँ। मतलब लाजमी मेरे अपने एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो हर पार्टी से है, सिर्फ एक पार्टी से मेरे फॉलोवर्स नहीं है, हर पार्टी से है। तो ये डिसीजन अगर मैं लूँगा भी तो बड़ा सोच के लूँगा। सर, बॉलीवुड और हॉलीवुड के हवाले से एक क्वेश्चन है कि कौन से हीरो हीरोइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी मूवीज़ वगैरह देखा करते हैं? यार मैं सिर्फ वो जो मेरी तरह बड़ा है वो हल्क, वो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, मैं उसकी मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ। और मूवीज़ के लिए टाइम नहीं होता तो इतना मूवीज़ में नहीं देखता। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं सर, ये बताइए? नौजवानों को मेरे यही पैगाम है कि मतलब आप अगर आज हम मुझको देख रहे हैं या और क्रिकेटर्स को देखते हैं या स्टार्स को देखते हैं, तो ये इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, अब भी अपने ऊपर मेहनत करें, हर गलत चीज़ों से बचे, मतलब हेल्दी डाइट अपनाएं, एक्सरसाइजेस करें, बड़ों का बड़ा ख्याल रखें और छोटों से प्यार करें। आखिरी क्वेश्चन है सर, ये बताइएगा कि लाहौर में आपके एक रेसलिंग का क्लब वगैरह है, यहाँ पे KPK में खासकर आप तो मर्दान के ज़िले के रहने वाले हैं, तो मर्दान और उसी रिलेटेड जो रीजन में जो आते हैं पेशावर, मर्दान, नौशहरा, तो उसमें सर आप बताइए कि नौजवानों के लिए कोई ऐसा क्लब वगैरह बनाने का कोई? मैं जहाँ मुझे दिख जाते हैं कि ये बंदा टैलेंटेड है या इसमें रेसलिंग का शौक़ है, मैं उसको ले जाता हूँ लाहौर में, वहाँ उसको ट्रेन करता हूँ। अभी मैं मर्दान में यहाँ KPK में भी ला रहा हूँ, लेकिन यह लोगों की सिर्फ देखने की दिलचस्पी है। मतलब मुझे इस तरह के लोग अभी तक नहीं मिले जो फुल पैशन रखते हैं रेसलिंग के लिए कि हाँ मैं पहलवान बनना चाहता हूँ। इसलिए 2-3 मुकाबले मैं KPK में करूँगा इंशाल्लाह। जो ये मैं शेर खान का कह रहा था ना, ये सब लोगों को पता भी चल जाएगा, बड़े कामयाब मैच होगा, तो इंशाल्लाह इनको भी इस फील्ड में सब कुछ है, कामयाबी है, पैसे हैं, सब कुछ है इस फील्ड में। तो नौजवानों को भी मेरा यही है कि आप अगर रखते हैं दिल में कुछ शौक रखते हैं या है आप में कुछ, तो हमसे रब्ता करें, जरूर हम यहाँ पर फिर खोलेंगे। अलीशा बीबी स्वयं क्लास के सबक में थ्री क्लास के और दिल से लड़ा था प्रोग्राम ला क्या प्रोग्राम ला हां बाबा अल्लाह का लेकर तुम नाम शुरू करो, सारे काम निकले होती है सुबह से शाम, बोले परिंदे अल्लाह अल्लाह, बोले समंदर अल्लाह अल्लाह, नाम ले चांद भी अपने रब का मालिक है जो हम सब का प्रोग्राम दे क्या प्रोग्राम दे हां बाबा सो सब प्रोग्राम दे हां बाबा से लड़ा जी बेटा उनका मेल मारे हां नता सुमरा के लिए आओ खान बाबा तब सो आए वेलकम